अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। यह है बीन्स मसाला आलू फ्राई, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिया है और 4 से 5 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। और मैं इसमें ऐड करने 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच ज़ीरा। और अब मैं इन सबको मिक्स करके अच्छे से भून लूँगी लो फ्लेम पर, तब तक ये थोड़े ब्राउन ना हो जाएं। और मैंने आलू और बीन्स को सेम शेप एंड साइज़ में कट करके रख लिया था। इस रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम बीन्स लिए हैं और 300 ग्राम मैंने आलू लिए हैं, और उनको वो अच्छे से धो के कट करके एक साइड पर मैंने रख लिया है। तो अभी ये हमारा ज़ीरा और सरसों ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू, जो मैंने बीन्स की तरह ही शेप में कट करके एक रखे हुए हैं। तो बस अच्छे से हम आलू को अब मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम रख के हम आलू को पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट तक। 3 मिनट तक हम इसको धीमी आंच पर भूनेंगे। इस तरह आलू को पकाने से अच्छा सा क्रिस्पनेस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो अभी हम इसे 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर ही भूनेंगे और अच्छे से इसमें ज़ीरे और सरसों की कोटिंग हो जाने देंगे। अब मुझे इन्हें भूनते हुए 2 से 3 मिनट लगभग हो चुके हैं और इनमें एक अच्छा सा क्रिस्पनेस आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बीन्स जो हमने कट करके रखे हुए हैं। तो ये मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं बीन्स, क्योंकि बीन्स को भी पकने में टाइम लगेगा, आलू हमारे बीन्स के साथ साथ ही पक जाएंगे। और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है और कुछ देर के लिए इसको भी हम साथ में ही फ्राई कर लेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमें ऐड करने हैं इसमें स्पाइसेस। तो हम मसाले इसमें डाल लेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। आप आमचूर पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने उसे स्किप किया है। और इसको एक बार फिर से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसालों के साथ सारी सब्जी को कोट कर लेंगे। तो इस सब्जी में हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, हमें इस सब्जी को ऐसे ही पकाना है लो फ्लेम पर। सब्जी जब धीमी आंच पर पकती है अपनी भाप में, अपने ही मॉइस्चर में, तो सब्जी का असली टेस्ट तभी आता है। तो हम इसीलिए हम इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करेंगे, इसी के मॉइस्चर में हमें इस सब्जी को पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इसको मसाले के साथ पकाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी ही सॉफ्ट कर ली थी हमने। और ये देखें सब्ज़ी का कलर कितना प्यारा आया है। और ये बीन्स आलू की सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई थी।
तो हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इस सब्ज़ी को मसालों के साथ पकाते हुए। तो हमने सब्ज़ी को अच्छी तरह से मसालों के साथ कोट कर लिया है। मैंने सब्ज़ी को ढक्कन ढक के लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँगी। साथ ही में मैंने सब्ज़ी को दूसरे गैस पर रख दिया है लो फ्लेम करके। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं रोटियाँ। एक बार बीन्स मसाला आलू फ्राई ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी ये बनकर तैयार हुई थी, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखें रोटियां मेरी पक चुकी हैं और मैं यहाँ से सारा ये क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद में हम सब्ज़ी को चेक करते हैं। तो ये देखें सब्ज़ी हमारी एकदम रेडी हो गई है। साथ में मैंने इसमें डाला है चिली फ्लेक्स 1 चम्मच और थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है। सब्ज़ी हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो हमारी बीन्स मसाला फ्राई बनकर तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।